8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और यही काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज का दिन विलहेम रॉडजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।